दिन सबसे दिलकश वक्त सुबह सवेरे उठना, दर्दनाक लम्हा जराबों को ढूंढना, खुशी का वक्त दोस्तों से मिलना, खतरनाक सफर क्लास तक जाना, खौफनाक लम्हा पहले पीरियड में टेस्ट, खुशी की खबर टीचर आज गैर हाजिर है। कहानियों में गुजरा बचपन बाकी जिंदगी को हकीकत बनने ही नहीं देता। एक मुद्दत के बाद मिली थी कैद से आज़ादी मोहसिन, पर मिली जब आज़ादी तो पिंजरे से मोहब्बत हो चुकी थी। याद आता है बचपन का वो जमाना, बंटीज का चश्मा लगाकर सबको दिखाना, आंख मचोली खेलते हुए कपड़े में हल्का सा सुराख रखना, लेकिन दिखावा करना कि मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। बहुत याद आता है बेफिक्र सा बचपन, वो झूले, वो गुड़िया, वो प्यारा सा मौसम। दांत किधर गया, चूहा ले गया। पेंसिल के छिलके को दूध में गर्म करने से रबड़ बन जाता है, किस किसने ये अजीम काम किया। याद है तुम्हें इन्हें खरीदना और दो दिन बाद इनका मर जाना। आगे पीछे होके साया छोटा फड़ा करना, किसे याद है ये। सबसे खुशी का मौका वो होता था जब इसमें से दो गोलियां निकलती थी। ये अजीम खेल किस किसने खेला है कमेंट में लाजमी बताना। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। टीचर की गैर हाजिर होने की वो खामोश दुआएं जो कभी कभी सच्ची में कबूल हो जाती थी। वो गर्मी की छुट्टियां जब सारे कजिन्स नानी के घर इकट्ठे हो जाते थे, सारी रात खाने, हंसने और भूतों की बातें करने में गुजर जाती थी। जब किसी त्यौहार पर अम्मी के साथ कलीन की सफाई किया करते थे। याद आया कुछ, कोई भी इंसान इतना प्यार और ख्याल नहीं रख सकता जितना वालिदैन रखते हैं। बिल्कुल स्कूल लाइफ में खाक मजे किए हैं। अगर क्लासरूम में कभी आखिरी बेंच पर बैठ कर टीचर की नज़र से बच कर दोस्त के साथ टिफिन ना खाया हो, मेरी ज़िंदगी की पहली गलती। पूरे साल में बस उसी एक हफ्ते स्कूल खुशी से जाता जब तकरीब की तैयारी की वजह से क्लासेस नहीं होती थी। जब बचपन में हम अम्मी का मेकअप चोरी करके लगाते थे, बचपन में जहाँ चाहे रो लेते थे, जहाँ चाहे हंस लेते थे। अब हंसने के लिए तमीज चाहिए और रोने के लिए तन्हाई। वो टीचर की क्लास से चले जाने के बाद हमारा टीचर बनना, स्कूल की नानटिकी का मुकाबला कोई भी खाना नहीं कर सकता। बचपन में किस किस ने ये अजीम हरकत की है। वो छुट्टियों के दिन, वो गांव की रातें और सब कजन्स का इकट्ठे होना, वो मज़ा सोशल मीडिया में कहाँ जो दादी से उनके ज़माने की कहानियाँ सुनने में था। नाश्ते से पहले इन कार्टून्स को देखना हमारे बचपन को बहुत खूबसूरत बनाया है। अम्मी के जहेज के वो बर्तन जो सिर्फ खास मेहमानों के लिए निकाले जाते थे। बचपन के वो दिन जब बिजली खराब होना हमारे लिए खुशी का बायस होता था। मान ले हम सब ने होमवर्क का पेज सबमिट करवाते वक्त ऐसा ज़रूर किया था। ना दुनिया का गम था, ना रिश्तों के बंधन, बड़ी खूबसूरत थी वो जिंदगानी। वो अब्बू का नंबर नोट करने के लिए पेन मांगना और सामने पड़े पेन का नज़र ना आना। वो जश्न आज़ादी की तैयारियां जिसकी बदौलत 14 दिन हर क्लास में पार्टी का समा होता था। हमारे उस्ताद और उनका दिल पसंद जुमला, कभी खाना खाना भूले हो, जो होमवर्क रोज़ भुलाते हो। वो टेस्ट वाला दिन और हमारा पेज के लिए भीख मांगना। स्कूल हो या कॉलेज, हमारे फेवरेट टीचर वही हुआ करती थी जो लेक्चर छोड़कर कहानी सुनाने लग जाती थी या हमसे बातें सुनती थी। याद आता है सुबह सुबह स्कूल जाकर साथ वाली कुर्सी पर बैग रख कर कहना, ये मेरे दोस्त की जगह है। लेजेंड तो वो थे जो सुबह क्लास शुरू होने से पहले होमवर्क मुकम्मल करते थे। किस किस ने बचपन में ये हरकत की है। नोट्स चुनवाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं। वो बड़े भाई ही क्या जिसने हमें कचरे के डब्बे से मिलने वाली ना कहा हो। ये दुनिया का वह पेन था जो सारी क्लास को स्याही देकर भी लिखता रहता था। स्कूल की थकन, गर्मी की वो खामोश दोपहर और आम की खुशबू से महकता बूढ़ा घर। तुम्हें याद तो हो कि ना याद हो, तुमने ये वाली कैंडी ज़रूर खाई होगी। वो ईदी मिलने पर चेहरों का खिलना, वो बहन भाई से ज़्यादा ईदी जमा करने की लगन। वो भाई ही क्या जो क्रिकेट में आसानी से शामिल करते। पूरी स्कूल लाइफ ख़त्म होने के बाद भी समझ नहीं आता था कि ये किस काम का है। अगर किसी को पता है कि ये किस काम आता है तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। वो दोपहर को बाहर खेलने के लिए अम्मी के सोने का इंतज़ार करना। वो चाय रखी है टेबल पर, इतवार पुराने ले आओ, हम कह देंगे आज छुट्टी है, तुम यार पुराने ले आओ। सारा दुख एक तरफ और कंप्लीट किया हुआ होमवर्क का घर भुलाना एक तरफ। हज़ारों दोस्त आए और गए, लेकिन वो स्कूल के दोस्त आज भी याद आते हैं। जो गुजर गया नदानियों में वो वक्त कमाल का था साहिब। बस यादें यादें ही रह जाती हैं, कुछ छोटी छोटी बातें ही रह जाती हैं।